हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर हूँ कुशवाहा, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। नया चैप्टर है आज हमारा टेरिडोफाइट, और बॉटनी सेक्शन को हम इस समय स्टडी कर रहे हैं आपके साथ मिलकर। तो आप स्टडी करें टेरिडोफाइट्स का। उससे पहले हम आपको कुछ मुख्य बिंदु बता दें कि जो हमारे मित्र तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की, उनके लिए तो बिल्कुल आपको देखिएगा, इससे 50% आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने चाहिए, हमारा अपना मानना है। बगैर टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस झारखंड और आरपीएससी और डीएसएसबी में प्रॉपर क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं का ये वीडियो है, तो सबके लिए इक्वली महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन तो बदलते नहीं, बस उनकी कठिनता और सरलता पर निर्भर करता है। ज्यादा कठिन होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के मान लिए जाते हैं, और थोड़े ज्यादा सरल होते हैं तो वो टीजीटी के मान लिए जाते हैं। उससे थोड़ा कठिन होते हैं तो वो पीजीटी के मान लिए जाते हैं, और कठिन होते हैं तो वो पीसीएस के मान लिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बस इसी का अंतर है, और ये विथ डिस्क्रिप्शन के साथ है। और हम चर्चा करने वाले हैं टेरिडोफाइट के पूरे सिलेबस की, जिसमें जनरल करेक्टर और क्लासिफिकेशन और जो लाइकोपोडियम स्लेजनल एक्यूसिटम मार्चिलिया हेट्रोस्पोरी, इसके अलावा भी और भी जो टेरिडोफाइट्स हैं वो सारे जनरल करेक्टर्स और क्लासिफिकेशन और स्पेशल करेक्टर्स में वो सारे टेरिडोफाइट्स आ जाएंगे जो यहाँ नहीं दिए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन पहला देखते हैं। द स्मॉलेस्ट एक्विटिक फर्न ऑफ्टन यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स कौन सा है और जो बायोफर्टिलाइजर के रूप में यूज किया था, तो मॉस्किटो फर्न है। मॉस्किटो फर्न किसे कहते हैं, तो एजोला को कहते हैं। तो एजोला है, स्मॉलेस्ट है, और ये पैडी फील्ड में भी पाया जाता है, तालाबों में भी पाया जाता है। ये सर्दियों में स्टार्टिंग होती है, गर्मियों में आते आते पूरा रेड कलर ले लेता है तालाब का। इसे मॉस्किटो फर्न भी कहते हैं। इट हैव बीन यूज कंट्रोल मॉस्किटो लार्वा इन पैडी फील्ड। ये बहुत उम्दा क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि मॉस्किटो फर्न किसे कहते हैं, आपसे पूछ सकता है कि लार्वा जो आपके पैडी फील्ड्स में होते हैं और मॉस्किटो के, उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, तो एजोला के थ्रू कंट्रोल करते हैं। बायोफर्टिलाइजर पूछ सकता है, कौन टेरिडोफाइट एज बायोफर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो एजोला को बायोफर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। आइसोइड्स एक ऐसा टेरिडोफाइट्स है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, रखना। आइसोइड्स एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, ध्यान रखना। रीजनरेशन, स्लेजनेला में रीजनरेशन पावर बहुत होती है, भी ध्यान रखना। आपको हम ये स्पेशल फैक्ट बता दे रहे हैं। पॉलीस्टीलिक कंडीशन इज फाउंड इन, पॉलीस्टीलिक कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, तो पॉलीस्टीलिक कंडीशन देखने को मिलती है स्लेजनेला में। पॉलीस्टीलिक कंडीशन विथ 12-16 स्टील्स इज फाउंड इन स्लेजनेला लेविगेटा, ध्यान रखना है। लेविगेटा इसकी जाति है, उसमें देखने को मिलती है। जाइलम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द जेनरा पासेस वेसल, जाइलम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ जेनरा पासेस वेसल्स, तो बताएगा। तो ऑप्शन इसका एक सही है, मार्सिलिया एक्विसिटम टेरिडियम। द मार्सिलिया एक्विसिटम टेरिडियम वेसल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम, इन जनरल वेसल्स आर अब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स, बट इन ऑल दीज वेसल्स आर फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन से टर्बिकुलेट, ये बहुत क्वेश्चन पूछा था, ये अभी आपको और मिलेगा। टर्बिकुलेट इन सिलेजनला रिप्रेजेंट इन मॉडिफिकेशन ऑफ, तो ये किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो ये मॉडिफिकेशन होती है इंडोडर्मिस का, ध्यान रखना। आपसे भी पूछ सकता है कि जो इंडोडर्मिस टर्बिकुलाई पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो सिलेजनला में। और एक टर्बिकुलाई आपकी हमने बताया था कहाँ पाई जाती हैं, एक टर्बिकुलाई आपको मिलेगी मार्सिलिया में, मगर वो कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं, ध्यान रखना। टर्बिकुलाई वहां कॉर्टेक्स में, यहाँ इंडोडर्मिस में, थोड़ा सा यहाँ शब्दों का हेर फेर है, ये ध्यान रखिएगा। एक कैविटी फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकेट्स इज इक्विसिटम इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रेनियल कैनाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेनियल कैनाल। ये पीजीटी में भी आया क्वेश्चन। ए कैविटी फॉर्म इन डिसइंटीग्रेटेड ऑफ द प्रोटोजाइलम ट्रैकेट्स, प्रोटोजाइलम ट्रैकेट्स इन इक्विसिटम कॉल्ड द क्रेनियल कैनाल। दो कैनाल्स होती हैं, वेलिकुलर कैनाल और क्रेनियल कैनाल, तो उसे प्रोटोजाइलम के द्वारा जो बनती है उसे क्रेनियल कैनाल बोलते हैं। द कैविटी फॉर्म बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द प्रोटोजाइलम ट्रैकेट्स इन इक्विसिटम कॉल्ड द क्रेनियल कैनाल। एजोला हैज बिकम इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर बिकॉज इट इज बींग यूज एज, तो यूज एज कैसा कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं।
ये कार्डिनल कैनाल है, हमें लगता है क्रैनियल कैनाल पड़ गए हैं, कार्डिनल कैनाल है इसको आप ध्यान रखिएगा, कार्डिनल बोलते हैं और वो क्रैनियल हम जूलॉजी के उसमें स्पीड में बोल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एजोला हैज बिकम इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर, तो बायो फर्टिलाइजर बोल दें, द नॉर्मल नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इन द आर्चिगोनियम इक्विसीटम, तो इनमें जो यहां स्पष्टता नहीं दिया था, द आर्चिगोनियम इक्विसीटम हैज ए स्मॉल नेक एंड ए स्वालिन बेस, द नेक इज मेड ऑफ 3 to 4 ट्राइज ऑन नेक सेल्स ईच टीयर यूजुअली, मतलब कितने टीयर्स हैं, 3 to 4 टीयर्स होते हैं नेक सेल्स में, ईच टीयर यूजुअली हैज 4 सेल्स, द नेक कैनाल हैज 1 or 2 नेक कैनाल सेल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट फाउंड इन फर्न्स, इनमें जनरली फर्न में क्या नहीं पाया जाता है, नॉट फाउंड इन फर्न्स, सर्सिनेट वेनेशन पाया जाता है, पिन्नेट लीप, डाई कोटी स्टील, जाइलम वेसल्स, तो इसका सही ऑप्शन है जाइलम वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रायोफाइट, इनमें ब्रायोफाइट्स नॉट ए ब्रायोफाइट्स, तो देखिए फ्यूनेरिया पेलिया और पोरेला ये टेरिस ब्रायोफाइट्स नहीं है। हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर्स आर फाउंड इन स्पोर्स, तो इक्विसीटम में स्पून लाइक पाए जाते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, ध्यान रखना इनकी संख्या 4 होती है स्पून लाइक, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। एम्फीफोलिक साइफनो स्टील इज फाउंड इन, तो वो पाई जाती है मार्सिलिया में, और एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील इक्विसीटम में पाई जाती है, ध्यान रखिए, तो एम्फीफ्लोइक जो है वो उसमें पाई जाती है, किसमें, मार्सिलिया में, और एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील किसमें पाई जाती है, वो इक्विसीटम पाई जाती है, ये दोनों शब्द कंफ्यूज करते हैं, एम्फीफ्लोइक की बात करें तो मार्सिलिया, एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील की बात करें तो इक्विसीटम। हेट्रोस्पोरी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो हेट्रोस्पोरी देखिए सिलेजनेलस स्टार्ट होती है, चूंकि ये हेट्रोस्पोरस होता है, मेगा और माइक्रो दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, मेगा से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है और माइक्रो जो स्पोर्स होते हैं उससे मेल गैमेटोफाइट बनता है। तो द रूडिमेंट्री सीड हैबिट हैज बीन एटेंड इन आधांगिक बीज स्वरूप पाया जाता है, तो वो किसमें पाया जाता है, तो वो ऑप्शन वही सही है सिलेजनेला में, देखिए केवल रूडिमेंट्री शब्द लगाकर कंफ्यूज करने की कोशिश की है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। द एक्वाटिक फर्न कौन सा है, तो एक्वाटिक फर्न एजोला है, देखिए एजोला है, साल्विनिया है और मार्सिलिया है, एजोला साल्विनिया मार्सिलिया, और ये ऐसे फर्न है जो एक्वाटिक हैं, और सिलेजनेला भी एक्वाटिक जातियां हैं सिलेजनेला की। एजोला इज एक्वाटिक फर्न इन विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जेनरा स्पोरोकार्प आर प्रेजेंट, वंशों के निम्नलिखित युग्मकों में से किसमें बीजाणु फलिका पाई जाती है, स्पोरोकार्प, तो वो तो मार्सिलिया और आइसोइट्स, जितने स्पोरोकार्प उनमें पाई जाएगी, ध्यान रखना कि जो कैसे होते हैं, तो जो होते हैं स्पोरोकार्प उनमें जो एक्वाटिक होते हैं, तो मार्सिलिया और आइसोइट्स और मार्सिलिया साल्विनिया, तो मार्सिलिया और साल्विनिया में हमें दिखाई देती है क्या स्पोरोकार्प, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर कोड गिवन बिलो स्टेटमेंट, एसर्टेशन क्या दिया है, ट्यूडोफाइट तथा जिम्नोस्पर्म आर्किगोनिएटी में सम्मिलित किए गए हैं, इनमें मादा जनन अंगों के रूप में आर्चिगोनियम पाई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वही ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सिलेजनेला द मेल गैमीट आर, सिलेजनेला का मेल गैमीट होता है कैसा होता है, तो मेल गैमीट कैसा होता है, बाई फ्लैजलेट होता है, अच्छा क्वेश्चन है, ये फ्लैजला सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, कहीं मल्टी फ्लैजलेट होता है कहीं बाई फ्लैजलेट, तो ये थोड़ा सा कंफर्म करना रहता है और कंफ्यूजन एग्जाम में करता है, तो बाई फ्लैजलेट होता है,
अब आप कहेंगे सर सिलेजिनेला क्यों पूछा गया, तो सिलेजिनेला एक्सेप्शनल केस है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये वैसे एमपी पीएमटी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन था। इन सिलेजिनेला मेल गैमीट आर बाईफ्लैजलेट, केवल सिलेजिनेला का जो गैमीट होता है मेल गैमीट वो बाईफ्लैजलेट होता है, उसके अलावा जितने भी टेरिडोफाइट के मेल गैमीट्स हैं सारे मल्टीफ्लैजलेट्स होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टीफ्लैजलेट होते हैं, ध्यान रखना। जो एंथ्रोजोइट्स होते हैं सबके मल्टीफ्लैजलेट होते हैं, ओनली बाईफ्लैजलेट गैमीट्स और एंथ्रोजोइट्स फाउंड इन सिलेजिनेला। तो स्पेशल क्वेश्चन है, सिलेजिनेला में बाईफ्लैजलेट होता है, तो हरदम एक्सेप्शनल पूछते हैं या एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमारे बिल्कुल स्पष्ट तैयार हुए, जो मित्र हमें देख रहे हैं वो ये समझ लें कि बिल्कुल स्पष्ट दो क्वेश्चन तैयार हुए। एक तो सिलेजिनेला केवल बाईफ्लैजलेट याद कर दो, इसके अलावा कोई भी टेरिडोफाइट पूछ दे उसको सबको मल्टीफ्लैजलेट लगा के आना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज पॉलीसाइक्लिक स्टील, किसमें पॉलीसाइक्लिक स्टील देखने को मिलती है हमें, तो पॉलीसाइक्लिक स्टील किसमें देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है मोंटानिया में। किसमें? मोंटानिया में पॉलीसाइक्लिक स्टील देखने को मिलती है, तो ये नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हमारे मित्र जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या वो हमारे मित्र जो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का एग्जाम देने जा रहे हैं वो इसको नोट करके रखिएगा। ये पीजीटी लाइक क्वेश्चन तो नहीं है, पीजी से इसका जो स्तर है वो काफी ऊंचा है, तो ये उन मित्रों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। रेडियली अरेंज्ड एयर चेम्बर इन द कॉर्टेक्स एंड एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील इज फाउंड इन राइजोम ऑफ, तो आप बताएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही है, मार्सिलिया। अभी देखो हमने बताया था कि मार्सिलिया के एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं किसमें, राइजोम में, और वो टर्बिकुलाई वहां भी उनको बोलते हैं, ध्यान रखना। हमने अभी बताया था कॉर्टेक्स में ये देखने को हमें मिलता है, तो अभी कभी कॉर्टेक्स में टर्बिकुली पूछ दे तो मार्सिलिया लगा के आना है, और अगर इंडोडर्मिस वाले एरिया में अगर पूछता है तो फिर मार्स वो लगा के आना है सिलेजिनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली टेरिडोफाइट विच हैज द लैटिफेरस एलिमेंट्स इन द स्टेम, स्तंभ में लैटिफेरस धर नलिकाएं धारण करने वाला एकमात्र टेरिडोफाइट है। बहुत उम्दा क्वेश्चन और उच्च कोटि का क्वेश्चन है, जो अक्सर आपने या तो पढ़ा नहीं होगा। तो वो कौन सा टेरिडोफाइट्स है, तो वो टेरिडोफाइट्स है रेग्निलीडियम डाइफिल्लम। हम दिखा भी देंगे रेग्निफिलियम डाइफिल्लम को कि, तो ये रेग्निलीडियम और डाइफिल्लम है, आप देख रहे हैं ये है, और ये अक्सर हमें दिखाई देता है, मगर ये सिलेबस में नहीं है, ये एमएससी के सिलेबस में मिलेगा, बीएससी में तो ये है ही नहीं। तो ये अकेला एक ऐसा टेरिडोफाइट्स है, पूरे टेरिडोफाइट्स में सिंगल ऐसा टेरिडोफाइट्स है जिसमें लैटिफेरस ट्रिब्यूल्स या नलिकाएं पाई जाती हैं, ध्यान रखना, जिससे वो क्या बोलते हैं लैटेक्स निकल सकता है। तो ये अकेला है और इसका और एमएससी लेवल पे हो सकता है किसी स्टेट में ये पढ़ाया जाता हूं, रेग्निलीडियम और डाइफिल्लम, तो आप समझ गए होंगे। मार्सिलेशी फैमिली, इसकी मार्सिलेशी मार्सिलिया की तरह ही होता है, बिल्कुल सेम मार्सिलिया की तरह। मार्सिलिया में चार पत्तियां होती हैं, इसमें जनरली दो पत्तियां होती हैं, टू लीफ वाटर फर्न है, ध्यान रखना। तो मार्सिलिया का ये साथी है, मार्सिलिया का परिवार का सदस्य है, ये आप मत भूलिएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा और बहुत उम्दा क्वेश्चन है, उच्च कोटि का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइड्रोस्पोरस फर्न, तो वो तो आप सब जानते हैं सिलेजिनेला है, हाइड्रोस्पोरस के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ एक गड़बड़ी हमने जो की वो तुम्हें बताते हैं, क्योंकि उसने हमने हाइड्रोस्पोरी देखा, फर्न शब्द को सही से पढ़ना मुनासिब नहीं समझा और वहां दो ऑप्शन देख के, जबकि फर्न में मार्सिलिया आता है और जो सिलेजिनेला होता है वो प्योर फर्न में नहीं आता है। तो यहाँ चूंकि उसने क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज जहां हुए हम, हाइड्रोस्पोरस फर्न दिया, ये शब्द हमने नहीं देखा, हमने केवल किसको महत्व दिया, हाइड्रोस्पोरस। तो यहाँ दिखा सिलेजिनेला, हमने तुरंत आपको बता दिया सिलेजिनेला। जब पूरा हम क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं फर्न पूछ रहा, तो उसका सही आंसर मार्सिलिया ही होगा, क्योंकि फर्न जो लगता है वो मार्सिलिया फर्न के अंतर्गत आता है।
तो ये क्वेश्चन इस तरह से गलत हो भी जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा केयरफुली आप भी रहें, चूंकि हम तो आपको पढ़ा रहे हैं और हम हमारे पास रीटेक का मौका है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, अगर कहीं गलती होती है तो हम आपको सही करके बता देते हैं, चलो हमने ये गलत बताया ये सही हो गया। और आप जब एग्जाम में बैठे तो अक्सर नॉट और नो इसमें अक्सर गलतियां होती हैं और गलत लगा के आते हैं, तो ये भी समस्या होती है। तो इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, अच्छे पेपर सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ लाइकोपोडियम इज एपिफाइटिक इन नेचर, तो वो है लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इक्विसिटम स्टेम द कैविटी फॉर्म्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ प्रोटोजाइलम इज नोन एज, तो प्रोटोजाइलम के द्वारा जो बनती है कैविटी उसे बोलते हैं, तो अभी हमने आपको बताया था काराइनल जो कैनाल होती है वो भी इसके पहले हमने आपको बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एड्रिस टंग फर्न, तो ये कौन सा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑफियोग्लॉसम को, क्या बोलते हैं ऑफियोग्लॉसम को, टंग फर्न के नाम से जाना जाता है, इसकी पत्तियां बिल्कुल टंग की जीभ की तरह होती है। एजोला इंक्रीज सॉयल फर्टिलिटी ऑफ, तो वो किसकी सॉयल फर्टिलिटी बढ़ाता है, तो चूंकि हमने बात किया था अक्सर किसकी, पैडी की, राइस की बात की थी, तो राइस फील्ड की बढ़ाता है, और इसमें एना बीना एजोला सिम्बियोट कंडीशन में पाए जाते हैं, भी ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स हैज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम नंबर, निम्नलिखित में टेरिडोफाइट में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम नंबर किसके होते हैं, तो ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम के होते हैं, चलो देख भी लेते हैं सही है गलत, तो बिल्कुल सही है, ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम बवर्सी फर्न है, ये एमएससी में आपको पढ़ा जाता है। अन टेरिडोफाइट की तुलना में इसमें गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है, फर्न एक अपुष्पी पौधा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एजोला, तो वो एनावीना है, इसका सही आंसर क्या है, एनावीना। अभी देखो बताया, ये एलटी ग्रेट बायोलॉजी जीआईसी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, एनावीना, अभी हमने अभी आपको बताया था, तो एनावीना है एजोला के साथ। एजोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वो किसका एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है, तो ये आरपीएससी राजस्थान पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट इन, तो टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तीनों में वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट इज, टेरिडोफाइट में मुख्य पादप होता है तो वो स्पोरोफाइट होता है, कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है, ध्यान रखना। तो ये भी राजस्थान जो आरपीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द प्लांट डज नॉट ग्रो नियर सी सोर, सी सोर के नजदीक यहां कौन सा पौधा ग्रोथ नहीं कर सकता है, तो वो है हॉर्सटेल। हॉर्सटेल एक्विसिटम टेरिडोफाइट समुद्र तट के पास नहीं पाया जाता, जबकि क्लेडोफोरा कोकोस आदि समुद्र किनारे पाए जाते हैं। इन इक्विसिटम स्टेम वैलिकुलर कैनाल आर प्रेजेंट इन, अभी हमने आपको पूछा था वैलिकुलर कैनाल के बारे में पूछा था, हमने कहा था इसमें वैलिकुलर कैनाल और एक और कैनाल हमने आपको बताई थी, दो कैनाल्स बताई थी जो प्रोटोजाइलम के द्वारा बनती, ये कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है, ध्यान रखना, ये पाई जाती है बिलो फरोज, वैलिकुलर कैनाल इक्विसिटम के खांचे के नीचे पाई जाती है। द मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर इन स्लेजनेला, तो देखिए ये बोथ स्टेम और रूट का काम करता है, ये हरदम कंफ्यूज वाला क्वेश्चन रहा, तो डी ऑप्शन सही है। सिम्बियोटिक माइकोराइजल एसोसिएशन इन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, तो ये हमें आप कमेंट्स करके आंसर बताएंगे, और हमें ये भी बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार, शुभरात्रि।